हेलो जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सबका वेलकम करती हूं। और आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग ये कहाँ जा रहे हैं, रास्ते की क्लिप है। तो आप देखिएगा आगे एक सरप्राइज विजिट है, आप लोग देखते रह जाएंगे। आगे का जो सीन होएगा ना, इतना ज़बरदस्त वाला सीन था। आंटी हेलो मार रही है, रेनू आ गई। देखो हाँ, फिर मैं आंटी का नहीं सारा करूँ। आंटी चुप, मैं ये घर चेंज करेंगे ना, जब ये नु बोले चल चल आप सरप्राइज है, आपा भी किमी तो कराएंगे हमको। चलो बस खुश रहो, खुश रहो। अरे देखती रही राजी है नहीं मम्मी को। अच्छा लगा हमारा सरप्राइज, बहुत अच्छा लगा। मैं तो सिवान सुन गया कि तो दीदी के सूजी बड़ी बुराई सब्जी वो आप मंगवा लेंगे। लास्ट में पैकिंग पुकिंग करता टाइम एक जनों जाके ले आऊ, कोई अर्जुन ने भेज दूंगी, कहने भेज दूंगी। उस चीज की खाने की टेंशन मत ले तू। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? भाभी बोल रही है ना, धन्य है और मैम के तो ना सपोर्ट करना चाहूंगी। भाभी ऐसा अजूबा मेरे के ना बहुत गणा है। ये जो लोग होते हैं ना, ये देखते ही देखते ये चीजें हैं, इनको ये लगता है कि बस हर जगह नेगेटिविटी ढूंढ दे। हाँ दिख रही है, यूनिफॉर्म अच्छी लग रही है। देखो आप लोग कहते हो ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता होगा, वो बहू है और ये सास है। देखो इधर जमाई है और इधर जमाई, देखो निकर निकर में। ए दुनियादार को जी के जाओ भाई। और क्या नहीं दुनिया में जीना तो सीखो, ऐसे को पहले जीना सीख लो। मम्मी नु कहे बाबी मुंशी बोल रहे को नहीं, पीर का जोक में छिद्दी हो रही है। तो थार ली तो बोलन भी ना जावा लो। मैं थार ली तो बोलन किसी भी आदमी को किसी हालात को वरना कैसे पता लगेगा? जब उसके घर में अगर ऐसा होगा तभी तो पता लगेगा उसको। उसको पहले ही पता है, एक्सपीरियंस है। हाँ सही बात है। ये देखो अब इसने पूछा आते चाय बनाओ ले, मैं बोला ना भाभी चाय नहीं पीवा। अपने जो बात है वो क्लियर कर दी, कोई फालतू फॉर्मेलिटी नहीं, मजे से अपने घर के जैसे रहो। क्या मतलब है दिखावा से? क्या मतलब हम दिखावा करते ही नहीं भाई। क्या दिखाओ करना? भाभी नींबू नींबू पानी बना दे, ये नींबू पड़ेहण में बना दे मुझे। ठीक है छोड़, और कुछ नहीं चाहिए। मनी को नाश्ता हम जैसे एक ड्यू पी ली थी, अब मूड है नहीं, अब अपना काम करेंगे बस। और ये सरप्राइज हमने इसीलिए दिया था कि एक अच्छी सी ट्रिप हो जाएगी हमारी, और हम लोग सामान वगैरह पैक करेंगे तो उस चीज़ को भी एंजॉय करेंगे। तो ये देखो जी, मम्मी पैक करने लग रही थी, भाभी खाना बना रही थी कि अब रात को सामान शिफ्ट करेंगे, नहीं सुबह करेंगे, है ना मम्मी? सुबह का सोच लिया था, सुबह के लिए पैक कर रही थी मम्मी। तो ये इधर कुछ ऐसे है, अब इनको पैक कर लेते हैं फटाफट फटाफट, अब लगेंगे और ये डेढ़ घंटे के अंदर सारा पैक कर देंगे अपन। और फिर उस घर में देखोगे आप इनको ज़्यादातर चीज़ों को। ये देखो ये देखो हैं, अर्जुन तो परला घर में ही होगा ना, उन बेरो चल हैं जाओ। तो जी यहाँ पर आप सबको जैसे कि पता चल गया होगा, वैसे मैं आपको बता देती हूँ अभी फिर से कि शिफ्टिंग होनी है नए वाले घर में, जो कि लास्ट बार मैं जब आई थी ना, जब मुहूर्त था उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसी के लिए सारा सामान उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं और मम्मी जो पीछे के एरिए में जो सामान है ना उसको उठा करके गाड़ी आ चुकी है,
और पहले कोई प्लान नहीं था, अचानक से प्लान बना था कि हाँ अभी पैक करेंगे, नहीं तो इन लोगों ने पहले सुबह तो ये सोच रहे थे कि शाम को करेंगे, और फिर शाम को फिर ये हुआ कि ठीक है सुबह करेंगे, क्योंकि दोनों जैसे मम्मी और अर्जुन बचते हैं और भाभी और भाई दोनों वर्किंग है, तो फिर ये होता है ना कि टाइम जो है ना वो मैनेज नहीं हो पा रहा था पैकिंग का, तो बस ये है कि इसी कारण से, और एक बेबी छोटी है ना तो उसके कारण भी मम्मी को थोड़ा सा उसी के शेड्यूल से चलना पड़ता है, तो सारी पैकिंग जो वो टाइम पर तो हुई नहीं पहले, तो अभी अचानक से जैसे गाड़ी आई है और बस फटाफट फटाफट साथ के साथ पैक करना है और साथ के साथ गाड़ी में रखना है, तो परेशान तो काफ़ी हुए थे कि अचानक से पैकिंग करनी पड़े, गाड़ी घर के बाहर खड़ी हो, लेकिन हम लोग जब ज़्यादा जने हो गए ना तो सब लोगों ने मिल करके और कर लिया था। रात को बहुत लेट तक ये सारा शिफ्टिंग का काम चल रहा था, कम से कम 10:30 बजे तक, तो 11 बज गए थे लगभग जब तक तो हमारा सामान ही यहाँ से जा रहा था। सामान भी काफ़ी है इस घर में, आप सबने देखा होगा बहुत सामान है, तो बस उसको ले जाने में और सही तरीके से ले जाना होता है ना मेन, तो हर एक चीज़ का देखना पड़ता है। अब देखिए फ्रिज में बहुत सारा सामान रखा था, उसको भी खाली करना था, तो सब कुछ खाली कर करा कि ये देखिए इस रूम का बेड जा चुका है, और अभी तो मतलब समझिए कि 15-20% सामान ही गाड़ी में लोड हुआ है, सारा आप सामने देख रहे होंगे इधर उधर सब जगह रखा हुआ है। अब ये जो इस टाइम का जो टाइम था ना उस टाइम पे ही हो रहा था कि कैसे होगा, लेकिन हो गया, बस भगवान की दया से जब आपके पास वीडियो आया ना जब तक ज़्यादातर काम हो चुका है, लेकिन बस ये कि सेटिंग करने में टाइम लगता है, सेटिंग जो होती है ना उसमें बहुत टाइम लग जाता है, नए घर में सामान किस तरीके से कैसे सेट करना है, तो बस अभी सामान पहुंच चुका है और मैं हूँ नए वाले घर में। ये बेड में से जो सामान निकाला था ना उसको उसी में रख देंगे वापस, तो फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बाहर जो फैला पड़ा है ना तो उसमें ज़्यादातर बेड के अंदर जो रखा हुआ था वो सामान है या फिर स्टोर रूम में रखा हुआ था वो है, तो सबसे पहले बेड के अंदर का रख रही हूँ मैं यहाँ पे। इसमें ये सर्दियों के कपड़े हैं, एक बार के लिए मैंने होता ना कि थोड़ा वो रफली ही सेट किया है, बाद में फिर ये लोग कार्टून में भर के कपूर की गोलियां डाल के दोबारा से सेट कर लेंगे, जैसे एक बार के लिए रहने लायक हो जाता है ना, जब तो मन करता है ना जब इंसान का उसी दिन खोल के बैठ जाए, सैटरडे संडे जिस दिन छुट्टी होती है जब खोल के बैठ जाए हो जाता है। तो जी यहाँ पर बेड का जो सामान था ना वो सारा सेट हो चुका है और अभी सारा सामान घर में आ चुका है। लास्ट में जो ड्राइवर भैया थे ना उन्होंने बोला कि मेरे को चाय पीनी है, और वैसे पूछते भी हैं कि भाई चाय पीनी है क्या, तो उन्होंने चाय पीने के लिए बोला कि ठीक है मुझे चाय पीनी है, और मैंने किचन आते ही सेट कर ली थी, ये लोग लास्ट राउंड लेकर आए ना उससे पहले मेरी किचन सेट हो गई थी, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ चाय और साथ साथ बाहर का जो सामान है वो भी आता जा रहा है, और साइड में हैंगर लगे ना इसके ऊपर मैंने ऐसे रफली जो सामान जैसे एक्स्ट्रा रखा रहता ना जैसे खाने पीने का नमकीन हो गया बिस्किट हो गया इस तरीके की चीज़ें, तो वो सारी मैंने इन थैलियों में डाल दी थी, और अब इनका जो टंकी है ना उसको अंदर आने के ऊपर मतलब उसके अंदर अदर कोई सामान डाला हुआ है उसके अंदर फिर मैं रख दूँगी। तो यहाँ पर चाय बनने वाली है और भाभी भी बस यही सोच रही कि क्या करें क्या ना करें, खाना हम लोग उधर से बना कर लाए थे जैसे भाभी ने पहले ही बना लिया था इन लोगों का, बाद में फिर हमारी रोटियाँ और सेक ली थी, सब्जी बाहर से आ गई थी एक, तो ऐसे हो गया था हमारा। और अभी ना रात के हमारे 2 बज गए थे, मतलब कोई विश्वास नहीं करेगा 10:30 बजे से और 2 बजे तक हमने काम किया, लेकिन फिर भी हमारा सामान सेट नहीं हुआ था, वो तो ना नया घर बना है तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो इधर उधर करनी पड़ती हैं, जैसे टाइलें भी बहुत सारी रखी हुई हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि नया घर बनता है तो कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं कि उनमें टाइल भी नीचे रखी है, पत्थर भी रखा है, कहीं सीमेंट रखी है, तो सारी चीज़ें इस तरीके से रखी हुई उनको निकालना, और वो सारी चीज़ें फिर ये है कि हर 15-20 दिन बाद में अभी महीने 2 महीने तक यूज होनी है, क्योंकि जहाँ जहाँ घर में रहेंगे तब पता चलेगा कि क्या दिक्कत है, तो वहाँ वहाँ काम फिर से करवाना पड़ेगा, तो उन सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए एक बार के लिए ऐसे ही थोड़ा सा होता ना कि घर को सेट करने के लिए बहुत टाइम लगा, नहीं तो जब हम वैसे करते हैं ना जैसे रेंट पर किसी घर में जाते हैं तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि उसमें ज़्यादातर चीज़ें सेट होती हैं। तो जी मैंने यहाँ जो ये वीडियो था ना ये रात में जितना शूट किया मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और फिलहाल सब लोग खाना खाएंगे, और जैसे मम्मी को बता रही हूँ कि ये सामान मैंने यहाँ रखा है ये यहाँ रखा है, क्योंकि मम्मी फिर बाद में रहेंगी यहाँ पे तो पता रहना चाहिए ना कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं, नहीं इनको ढूंढने में परेशानी होगी।
तो यहाँ पर अभी खाना वाना खाएंगे और आपको मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में कल सुबह फिर से। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये हमारे चाय के दास, देखो चाय पी रहे हैं, मैं इन्हीं के भाई से बात कर रही हूँ, कह रही हूँ कि ये देखो चाय पी रहा है इस टाइम भी। तो सारे हवा के पास बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बातें करेंगे फिर सो जाएंगे रात के 2 बजे।